ये कॉफी किसके लिए लेके जा रही हो? ये सुहेल भाई के लिए। वो घर पर नहीं है, ये किचन में रख दो। और हाँ, किसी को भेजो सुहेल के कमरे में सफाई करते जरा। जी ठीक है। इतनी सुबह कहाँ चले गए भाई? वो सुहेल की माइयों वाले दिन उसके जिस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने गया। तो क्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए पूरी रात लगती है क्या? हाजरा को अपनी अम्मी के घर रहना था रात, तो अकेला वापस आकर क्या करता, रह गया दोस्त के पास। तुम ज्यादा उसके लिए पुलिस ना बनो। अच्छा ना अम्मी, क्या हो गया, बस भी करते हैं, कब तक नाराज रहेंगी आप? जब तक तुम अपनी मनमानी करना बंद नहीं करोगे। कम ऑन मॉम, ये सब कुछ मैं आप ही के लिए तो कर रहा हूँ। ओह रियली? रहने दो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? मेरे लिए कर रहे हो सब कुछ। अच्छा तो फिर किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी अना के लिए कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो? तो यानी आपकी नजर में मेरी अना की कोई अहमियत नहीं है? तुम्हें अपनी अहमियत मालूम है ना, तभी इतनी मनमानी करते हो। अच्छा ठीक है, अगर मेरी इतनी अहमियत है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। महापारा के उदास होने पर आप अपने बेटे से तो नाराज हो सकती हैं, लेकिन उस पर इल्जाम लगने पर आप अपनी बहू से कुछ क्यों नहीं कहती? डरती हैं उससे, या फिर आपके लिए महापारा सिर्फ मुझसे ज्यादा अहम थे? अम्मा, हाँ हाँ यहाँ हूँ। अम्मा, महापारा आज कॉलेज नहीं जाएगी। जब वो छोटी बेगम के घर जाती है ना, तो वो घर आना भूल जाती है, तो कॉलेज क्या खाक जाएगी? ये तो बड़ी गलत बात है अम्मा, मैं उसे समझाऊंगा। अगर वो रोज कॉलेज नहीं जाएगी तो अच्छे नंबरों से पास कैसे होगी? सारी बातें तुम मुझसे ही कहना, उसके सामने तो तुम्हारी जबान पे ताले पड़ जाते। कभी तो कल की बात समझा दिया करो उसे। ऐसी बात नहीं है अम्मा, अब कोई बेवकूफ थोड़ी है जो हर वक्त उसे नसीहतें करता रहूं। कल रात को मैंने तुमसे कहा था कि फोन करके उसे बुलवा लो, उल्टा मेरे ही सामने तुम बहाने करते रहे कि वो एसी में सो रही। बहाने नहीं कर रहा था अम्मा, बेगम साहिबा अकेली थी, उन्होंने बुलवाया था उसे, तो मैं मना कैसे करता। और ये बात भी ठीक है, यहाँ पंखे चलाकर भी कितनी गर्मी होती है, वहां कम से कम ठंडक में सो तो जाती है। तो बस सोने दो ठंडक में, क्यों वो अपना सुकून बर्बाद करेगी? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं तो बस उसकी शक्ल देखने आया था ताकि मेरी सुबह हो जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे महापारा उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। महापारा आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? उठ जाओ मेरा बच्चा, 10 बज रहे हैं। 10 बज गए? हाँ, तो 10 तो रोज बजते हैं, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, मुझे कॉलेज जाना था। क्या बात है, तुम्हें कॉलेज की वैसे तो इतनी परेशानी नहीं होती थी, आज क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा था कॉलेज जल्दी जाना है। किसने किसने कहा था? उन्होंने, अब्बा ने कहा था कि कॉलेज रेगुलर जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी एक बात बहुत बुरी है। वो क्या? अरे भाई, हमने तय किया था ना कि तुम आओगी तो हम रात बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन तुम तो आते ही सो गई। मैं सो गई थी कब? अच्छा छोड़े, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे, जो जैम और ब्रेड खाना। तुम्हारी ये जैम ब्रेड वाली आदत नहीं छोटी, इतनी बड़ी हो गई हो। चलो 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 चलो, चलो।
और ये क्या तुम्हारा फोन बंद पड़ा हुआ है? दादी सही डांटती है तुम्हारी। वो रात को अपने दोस्त से बातें कर रही थी ना, तो चार्जिंग खत्म हो गई। बहुत लापरवाह तुम। चलो खैर, चार्ज पर लगाओ इसे और आ जाओ नाश्ते पर, मैं लगवा रही हूँ टेबल। क्या वाकई में तुम्हारी सास तुमसे इतना प्यार करती है? तुम यहाँ ये पूछने के लिए आई हो? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो मुझसे इतना प्यार करती है कि दिन में दो बार मेरी नजर उतारती है। सुहेल भाई का बताओ, उनका बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ? वो तो मुझे देख कर जीते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या वलीमे के दूसरे दिन कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इतनी सारी शॉपिंग करवाएगा? हाँ, वैसे वलीमे के दूसरे दिन कोई दुल्हन को मैके भी तो नहीं छोड़ता। वो तो मान ही नहीं रहे थे। मैं तो खुद जिद करके रुकी हूँ कि मुझे यहाँ रहना है। हाँ, लेकिन फिर तो सुबह ही उन्हें तुम्हें लेने आ जाना चाहिए था ना। क्यों आंटी? ऐसे कैसे लेने आ जाएंगे? खानदानी लोग हैं, खानदानी तरीके से लेने आएंगे इसे। क्या मतलब खानदानी तरीके से? ससुराल वाले बहुत कदर करते हैं मेरी बेटी की, देख लेना पूरी फैमिली लेने आएगी। आप यहाँ रुके, मैं बाजी को बुला के लाती हूँ। तुम यहाँ क्या बातें बनाने बैठ गई हो? जाओ जाकर किचन में देखो, सुहेल की पसंद की डिशेस बनवा। जी बाजी, वो आपके ससुराल से आपको लेने आए हैं। अच्छा, तो उन्हें बिठाओ, हम आ रहे हैं। जी देखो, मैंने कहा था शाम तक आ जाए, लेकिन उनसे सबर ही नहीं हुआ, आ गए लेने मुझे। अच्छा, वो राइब भी आया होगा क्या? हो सकता है, वरना मेरी सास तो इतनी चिपकू है कि उनके होते हुए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जरा बेटा चलो, वो लोग बैठे हैं, बुरी बात है। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको लेने आया हूँ, मुलाजमा ने कहा कि आप बुला रही हैं तो मैं यहाँ आ गया। किसने भेजा है तुम्हें? सोहेल मियाँ का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दुल्हन बीबी को घर से पिक करना है, आप ड्राइवर के साथ चले जाएं तो मैं यहाँ आ गया। दुल्हन बीबी आप सामान बाहर भिजवा दें, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। देखिए आपने मॉम, आगे क्या प्लान है? किस बारे में? ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? मैं क्या सोचूं? आप सोचेंगी ना, जो कहेंगी कर लूंगी। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत फर्मा बरदार है, लेकिन एक बात बताओ, पेपर्स क्लियर हो जाएंगे? ट्यूशन लगवा दूं? फोन आ रहा है, दिखाओ किसका। मुझे कहती है कि मैं फोन अपना जानबूझ के बंद रखती हूँ, अभी खुद का फोन साइलेंट मोड पे था, मैंने बता दी ना कॉल मिस हो जानी थी। 6 मिस्ड कॉल्स खालदा की, अल्लाह खैर करे। कॉल आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खालदा, कैसी हैं आप? जो कुछ आपके और आपके बेटे ने किया है उसके बाद कैसे होंगे हम लोग? क्या हुआ खालदा, सब खैरियत तो है? आपने हमें समझ क्या रखा है? मेरी बेटी कोई गिरे पड़े खानदान से है जो आप और आपका बेटा हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। अगर आपकी नजर में कुछ नहीं हुआ तो फिर ठीक है, मेरी बेटी मुझे भारी नहीं है जो मैं आपके मुंशी के साथ उसे भेज दूं। देखिए प्लीज, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, साफ साफ बात कीजिए। बल्कि रुके, मैं सोहेल को कॉल करती हूँ। कर ले सोहेल से बात आप,
मैंने उसे फोन किया था, उसका फोन बंद आ रहा है। अगर मेरी उससे बात होती ना तो मैं उससे यही कहती कि मैंने तुम्हारे मुंशी को वापस भेज दिया है। अजीब खातून, बताना नहीं था तो कॉल क्यों की थी? रहमत का क्या चक्कर है, वो क्यों गया बहू को लेने? क्या बोलने जी? कुछ नहीं बेटा, तुम नाश्ता करो, मैं जरा कॉल करके आती हूँ। हेलो मॉम। कहाँ हो बेटा तुम? मॉम आपको बताया तो था कि अपने दोस्त के साथ हूँ। हाँ लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने हाजरा को लेने के लिए रहमत को क्यों भेजा? क्यों, क्या हुआ मॉम? हम सब ड्राइवर के साथ ही तो आते जाते हैं ना, और फिर रहमत चाचा को भी मैंने एहतियातन भेज दिया था। बेटा वो नई दुल्हन है, उसूलन उसे लेने के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए था। लेकिन अम्मी जिस काम के लिए ड्राइवर है मुलाजिम है वो काम मैं क्यों करूँ? क्या मैं कोई ड्राइवर हूँ? अपनी बीवी को पिक कर लेने से कोई ड्राइवर नहीं बन जाता। तो ड्राइवर के साथ आने में बीवी की शान में कौन सी कमी आ जाती है? आप भी तो जाती है ना ड्राइवर्स के साथ, और इस वक्त तो मेरी मजबूरी है। बेटा तुम्हारी सास बहुत गुस्से में, मुझे कॉल करती रही, मेरा फोन तो साइलेंट पे था, मुझे तो पता ही नहीं चला। नाराज हो रही थी, कह रही थी कि तुम्हारा फोन भी ऑफ था सारी रात। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, आप परेशान मत हो। आपकी परेशानी का सोच कर ही मैंने एहतियात रहमत चाचा को भेज दिया था। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं आना चाहती तो उसे कुछ दिन वहीं रहने दें, मुझे जब वक्त मिलेगा मैं जाके ले आऊंगा। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है उनका ये मतलब नहीं था। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, ठीक है? वो तुम्हारा दोस्त कैसा है? काफी बेहतर है। कल रात को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गया था, दवाओं का असर अभी बाकी है। चलो ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखो और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जरा होश ठिकाने आ जाए फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके। तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी सुहेल, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे साथ जो कुछ मैं कर रहा हूं ना उसका शुक्र अदा करो, वरना सारी जिंदगी मुझसे माफिया मांगती रहोगी। सुहेल मैं ये शहर छोड़कर कहां जाऊंगी? तुम यहां रहोगी तो मेरा बार बार तुमसे मिलने को दिल जाएगा। एक सुनना चाहती हूं ना तुम? चलो अपना सामान पैक करो और यहां से दफा हो जाओ। नीचे एयरपोर्ट के अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। टेक केयर। तुम्हें अल्लाह पूछेगा सुहेल, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना अल्लाह इसका इंसाफ लेगा, देखना तुम। अच्छा ठीक है। पांच मिनट में यहां से दफा हो जाओ। मुझे खालदा से इतने सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह आंखें सर पर रखकर मुझसे बात करेंगी। अम्मी आपको पता है साइकोलॉजिकली एक बात प्रूवन है कि जब आप आउट ऑफ द वे जाकर किसी के साथ कोऑपरेट करते हैं ना तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन बेटा ये बात तो मुझे खालदा ने कही है ना, हाजरा ने तो नहीं कही। देखिए आप एक काम करें ना, आप सुहेल भाई को सब कुछ बता दें, वो खुद ही सब हैंडल कर लेंगे। नहीं नहीं, वो कहाँ समझता है ये ऊंच नीच, मेरा बच्चा तो बहुत ही मासूम और सादा है।
तो फिर ठीक है मॉम, आप उनके सरवैये की आदत डाल लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हाजरा भाभी और उनकी अम्मी जो है ना, वो बहुत तेज है। तो रोज रोज ये जंग चलेगी क्या घर पे? जंग तो बराबरी के लोगों में लड़ी जाती है मॉम, ताकतवर तो सिर्फ कमजोर पर हमला करता है। रायद, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से चुप। मैं नहीं चाहती कि शादी होते ही घर में इस तरह की घरेलू पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, इसीलिए हाजरा की हर बात को नजरअंदाज करती हूँ ताकि मेरा बेटा खुश रहे। तो आपको क्या लगता है, ये सब करने से सुहेल भाई खुश हो जाएंगे? शादीशुदा बेटे को खुश देखने के लिए बहू को खुश रखना जरूरी होता है। और उनकी इस खुशी में आप उनको उनकी बीवी की गलतियां नहीं बताएंगे? हाजरा मेरी पसंद है, सुहेल की नहीं। किस मुंह से शिकायत करूं उससे? अम्मी, अगर आप अपनी पसंद से लेकर आई तो आप क्या उसके ऐप पर पर्दे डालेंगे? रायद, हाजरा में कोई ऐब नहीं, बस थोड़ी सी अहमक है वो। अम्मी देखें, ये दुनिया अहमकों के लिए जन्नत है, चाहे वो दूसरों के लिए जहन्नम क्यों ना बना दे। देखें, कल उन्होंने महापारा पर इल्जाम लगाया था, आज सुहेल भाई के बारे में बुराई करके आपको बातें सुनाई हैं, और आपकी मसलियत वाली खामोशी ना ये उन्हें इनकरेज कर रही है ताकि वो मेरे ऊपर या डैड के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दे। यार फजूल में मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली, तुम प्लीज मुझे सारे नोट्स भिजवा देना, मैं कुछ करती हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो, एग्जाम सर पे खड़े हैं, अब तुम्हें नोट्स का ख्याल आ रहा है? क्या करूं? किससे बातें कर रही हो? अपनी फ्रेंड से। ये कौन सी फ्रेंड है जिससे तुम्हारी बातें ही खत्म नहीं होती? मां पारा, क्या हो गया, आप इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? आज मैं कॉलेज नहीं गई इसलिए मेरी फ्रेंड अस्मा मुझे नोट्स भेज रही है। अच्छा, यानी तुम कॉलेज जाती हो क्लासेस बंक करने के लिए और घर बैठे नोट्स ले रही हो, कमाल है महापारा। इस महीने में मेरे एग्जाम्स हैं इसलिए नोट्स ले रही हूँ, वरना अम्मी जी तो मुझे ट्यूशन लगवाने का कह रही थी। ऐसे यार एक बात बताओ, जब तुम स्कूल में होती थी तो हमेशा टॉप करती थी, ये कॉलेज आकर क्या हो गया? पहले पढ़ती थी ना, तो अब क्यों नहीं पढ़ती? अब मेरा बुक्स खोलने का दिल नहीं चाहता। क्यों यार, अब तो तुम्हारे पास सारी नई बुक्स हैं, पहले तो तुम मेरी पुरानी बुक्स लेकर पढ़ती थी। तभी तो दिल नहीं चाहता। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप ही समझेंगे, मुझे घर जाना। माँ पारा, मेरी बात सुन यार, जिंदगी नॉवेल्स पढ़ के नहीं बनाई जाती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपनी एजुकेशन को ना थोड़ा सा सीरियस लिया करो। जिसे मुझे सीरियस लेना था ना, मैंने उसे ले लिया। और ये एजुकेशनल बुक्स खोलने का मेरा दिल नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? वो इसलिए दिल नहीं करता है क्योंकि तुम दिल से नहीं पढ़ती, तभी तो ट्यूशन्स ले लो। देखो, कम से कम तुम्हारा रिजल्ट तो अच्छा आएगा ना। जहां मैंने दिल लगा लिया है ना, बस वहां रिजल्ट अच्छा आ जाए, मेरे लिए यही काफी है। और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। यानी ये बात तय है कि तुम कॉलेज जाओगी लेकिन पढ़ोगी नहीं? क्यों नहीं पढ़ूंगी, आपने कह दिया ना, अब आप देखिएगा मैं रेगुलर कॉलेज भी जाऊंगी और दिल लगा के पढ़ भी लूंगी। मैंने कह दिया मतलब? मुझे दादी के पास जाना है, उनके लिए चाय बनानी है। सुनो, मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकती। शादी से पहले मुझे नहीं मालूम था कि आपका बेटा इतना लापरवाह होगा, अपनी बीवी को बाहर से ही छोड़कर चला जाएगा और फोन भी बंद कर देगा और कोई रابطہ भी नहीं रखेगा उससे। उसे तो अपनी बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है। वो आपने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। आप लोगों की इस हरकत ने मुझे बहुत मायूस किया है। अच्छा, फिर आप क्या करें? क्या करें क्या, सुहेल को बुलाएं और उससे कहें कि अपनी हरकत की वजाहत दे, वरना मैं हाजरा को आपके साथ भेजूंगी नहीं। कौन सी हरकत? सुहेल का फोन सारी रात ऑन था, अगर ऑन ना होता तो वो मुझे कैसे बताता कि वो हाजरा को उसकी मर्जी के साथ, बल्कि
उसकी जिद की वजह से आपके घर रात रहने के लिए छोड़कर आया। जी नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं थी। और रही बात फिक्रमंद होने की, तो क्या हाजरा को उसकी माँ के घर छोड़ते वक्त मुझे या मेरे बेटे को फिक्रमंद होने की जरूरत है क्या? जी अगर ऐसी बात है तो हाजरा को कभी मैके आना ही नहीं चाहिए। और रात को मेरा फोन साइलेंट मोड पर रहता है, तो प्लीज अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल करनी हो तो लैंडलाइन पर किया करें, कोई ना कोई मुलाजिम फोन रिसीव कर लेगा। लेकिन मॉम, मैंने तो सोहेल से कोई रुकने की जिद नहीं की थी। इनफैक्ट इस मौजू पे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। मगर सोहेल ने तो मुझे बताया कि वो तुम्हारी मर्जी से तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है। और सोहेल झूठ नहीं बोलता। तो क्या आप कहना चाह रही हैं कि हाजरा झूठ बोल रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। ऐसा लगता है जैसे आपने जल्दबाजी में शादी करके बेटी का बोझ सर से उतारा। मुझे लगता है ये अभी शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं थी, लेकिन खैर जाने दें। क्या मतलब मैच्योर नहीं है, बोझ उतारा है? आप मेरी तरबियत पे उंगली उठा रही हैं? देखिए मैं बेटी समझकर कह रही हूँ, अगर आज ये महापारा या घर के किसी दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने शौहर पर तवज्जो देती तो मैके ना बैठी होती। क्या महके में बैठने से आपकी क्या मुराद है? मतलब आपके सामने ही तो कहा इसने कि सुहेल इसकी मर्जी के खिलाफ इसे यहाँ छोड़ गया है। ये आपसे कह तो रही है कि सुहेल ने इसे नहीं बताया कि वो अंदर नहीं आएगा। वही तो कह रही हूँ, जितने शौक से ये नौकरों के दरमियान बैठ कर डिस्कशन करती और घर वालों की बातें हमारे दरमियान बैठ कर सुनने के बजाय छुप छुप कर सुनती, अगर इतना इंटरेस्ट इसने शौहर के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर लगाया होता ना, तो आज यहाँ मैके बैठकर इसे शौहर की बुराइयाँ ना गिनवानी पड़ती। अरे ये बुराइयाँ तो नहीं गिनवा रही है, बल्कि ये तो ये कह रही है कि देखिए मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, लेकिन अगर आप सुहेल के बगैर इसे भेजना नहीं चाहती तो अच्छी बात। पता क्या मतलब था तुम्हारी इस बात का कि मेरे कहने पर तुम कॉलेज जाओगी, पढ़ोगी, क्यों? दादी कहती हैं अच्छी लड़कियां जवाब नहीं देती। तो फिर अपनी दादी के लिए अच्छी लगती रहो, मुझे जवाब चाहिए। क्यों मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे? हाँ आपको। देखो जब जवाब नहीं बन पा रहा ना तो फिर बात को घुमाने की कोशिश मत करो। हाँ ड्रामेबाज, जवाब तो हजार है मेरे पास, लेकिन आप वो सवाल ही नहीं करते। कौन सा सवाल? वही जिसके हजार जवाब सोच रखे हैं मैंने। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सुहेल भैया। सुहेल भाई, अरे सुहेल भाई बात तो सुने। बल्कि मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप इसे महीना दो महीना अपने घर में रखें, इसकी तरबियत करें और जरा मैच्योरिटी आ जाए तो घर भिजवा दीजिएगा। मैंने जितनी इसको मैच्योरिटी सिखानी थी ना सिखा दी, अब घर घरस्ती या आपके घर में रहकर ही सीखेगी। ठीक है, तो अपने घर में रखकर महीना दो महीना इसे घर घरस्ती सिखाइए, तब तक सुहेल का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। सुहेल का गुस्सा? लेकिन उनको किस बात पे गुस्सा है? उसके बुलाने पर तुम्हें आ जाना चाहिए था, वो परेशान था इसीलिए उसने रहमत को भेजा था, और रहमत दो नस्लों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इतनी जरा सी बात पर कौन गुस्सा करता है शैला? लड़के करते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा ना क्योंकि आपका बेटा नहीं है।
कि लड़के कब किस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक कह रही हैं आप, मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन इंसानों की साइकी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन सुहेल के मिजाज को तो मैं समझ ही नहीं पाई। मॉम, आपने कहा था ना, ये आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर सुहेल ऐसी हरकत आपकी बेटी के साथ करता तो आप बर्दाश्त कर लेती? बेटी समझा है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि इसे थोड़ी सी अकल सिखाएं। अगर बहू समझती ना तो आज कभी भी यहां ना आती। जो हरकत इसने कल की है, कौन सा ससुराल उस पर खामोश रह सकता है? कौन सी हरकत? पर्दे के पीछे से छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। इज्जतदार खानदानी लड़कियां ऐसी हरकत करती हैं क्या? अगर कोई बात सुननी ही थी तो कमरे में आ जाती, इस तरह छुप छुप कर हमारी कंसोइयां लेने की क्या जरूरत थी? हम सब तो हैरान ही हो गए, और सुहेल कितना शर्मिंदा हुआ इसकी इस हरकत पर। अगर ये बात है तो फिर एक सवाल मेरा भी बनता है शैला, आप लोग ऐसी कौन सी खुफिया बात कर रहे थे जिसको बेदखल करना पड़ा आप लोगों को, और इसको छुपकर आपकी बातें सुननी पड़ी? बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी बात सुनकर। वजह इसके कि आप इसे सरजनिश करें, आप हमें कह रही? आजरा, जाओ अपना बैग लेकर आओ, अब आप लोग अपने घर के मसले खुद ही निपटाएं। लेकिन मॉम। हाजरा, जाओ मैंने कहा। आप बैठे ना। नहीं प्लीज, मैं जरा जल्दी में हूँ, घर में किसी को बता कर नहीं आई हूँ, सब परेशान हो रहे होंगे। आप प्लीज हाजरा से कहें कि जरा जल्दी कर ले। अच्छा ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। चीजें पटकने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, जल्दी करो, इंतजार कर रही है वो। मुझे आपसे भी उम्मीद नहीं थी, आप मेरी साइड लेने के बजाय। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे ये कह रही हो? देख लिया अपनी हठधर्मी का अंजाम? कहा था अपनी सास को हल्का मत लो, लेकिन तुम्हें तो शौक है गरीब लोगों में घुसने का, महपारा को नीचा दिखाने का। ये करना है, वो करना है, अब निपटो उनके लेवल की प्रॉब्लम से। लेकिन आप ये कह सकती थी कि मैं यहाँ खुद नहीं रुकी, बल्कि तुमने यहाँ रुकने के लिए कहा था या वो खुद तो मैं यहाँ पर छोड़कर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाजरा, इस बात को अब यहीं खत्म कर दो, और खबरदार जो तुमने सुहेल से इस बारे में कोई बहस की, आइंदा मैं ना सुनूं कि मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की। लेकिन मॉम, तुमने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? कल को कह देंगी कि मेरा कोई शौहर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की, तुम्हें शौहर के साथ रहना नहीं सिखाया। मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? शौहर के बगैर औरत का कोई वजूद नहीं है हाजरा, और तुम्हारे लिए शौहर के बगैर इस घर में कोई जगह नहीं है। मॉम, तुम्हारे डैड के बगैर मैंने जिस तरह जिंदगी गुजारी है ना, मैं ही जानती हूं। तुम अपना घर खराब करके वापस इस घर में मत आना। हाँ जी। अरे तुम कल कहाँ चले गए थे आप? वो एक जरूरी काम से गया था। डैड आ गए? नहीं। और मॉम? मॉम भाभी को लेने गई, अभी थोड़ी देर पहले कॉल पे बात हुई, ये कह रही हैं कि वहां से निकल रही हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? भाभी घर नहीं आएंगी वापस क्या? मेरा मतलब है, मैंने रहमत चाचा को भेजा था ना, मॉम को जाने की क्या जरूरत थी? रहमत चाचा को? आपको पता है भाभी मॉम के साथ आने को राजी भी नहीं थी। तो रुकने देती वहीं पर,
अगर वो वहां रुकना चाहती थी तो। भाभी मॉम से कह रही थी कि आप उन्हें घर पे ड्रॉप करके चले गए थे बिना कुछ कहे, अंदर भी नहीं गए। हाँ वो एक्चुअली मैं समझा कि वो वहां रुकना चाह रही है तो इसीलिए। तो अगर ऐसी बात है तो आप उनसे पूछ तो सकते थे ना कि अगर वो रुकना चाहती भी हैं या नहीं। मेरी कहा इतनी मजाल के मैं तुम्हारी भाभी से कोई सवाल कर सकूं? तुम जानते तो गुस्से की कितनी तेज है वो। वैसे कमाल है सोहेल भाई, पहले तो आप बड़े माचो मैन बन रहे थे, अब आप अपनी बीवी से डर गए हैं। डरता नहीं हूँ, बस सख्ती नहीं करना चाहता। और वैसे भी तुम तो जानते हो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मर्द अपनी बीवियों से डरते हैं। लेकिन देखिए, अगर वो कोई गलत बात करती हैं या कोई गलती हो जाती है तो आप उन्हें टोक तो सकते हैं ना, जैसे कल। देखो राइद, अगर तुम अपनी भाभी की कोई कंप्लेन करना चाह रहे हो तो मुझसे नहीं मॉम से जाके करो, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं कह सकता। कम ऑन सोहेल भाई, वो आपकी बीवी हैं। आप अम्मी की बहू है, इसे अम्मी इस घर में अपनी मर्जी और खुशी से लाई है। जब मैं इसे कुछ ना कहकर ठीक कर सकता हूं तो कुछ कहकर अम्मी को क्यों दुख दूं? जब काम खत्म हो गया है तो रात की फ्लाइट लेकर आ जाएं, सुबह क्यों आएंगे? क्या बात है, बहू से दिल भर गया है क्या? वरना तो दो दिन से तुम हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी। अब बहू का भी मैं क्या कहूँ आपको? क्या हुआ, कोई बात हुई है? नहीं नहीं, बात कोई नहीं है। नई नई दुल्हन है, अब मैं हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकती ना। बस आप आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं कल ही आ जाऊंगा। अभी तुम सास होने के मजे तो उठाओ। अम्मी जी, वो भाभी ना अंदर रोते हुए गई है, मैंने पूछा तो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ बहू को, क्यों रो रही है? नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं है, मैं आपको एक मिनट में कॉल बैक करती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे बताना। क्या है? मॉम आप जानती हैं भाई ने भाभी को आपकी तुम दोनों उन दोनों की टोम में लगे रहना छोड़ सकते हो? जी क्या जी लगा रखी, एग्जाम्स होने वाले ना तुम्हारे, किताबें खोल लो, कॉलेज नहीं जा रही, कम से कम घर में पढ़ लो थोड़ा सा। हर वक्त भाभी की टोम में लगे रहना जरूरी है? भाई क्या हो गया, क्या किया तुमने? तुम्हें इतनी फिक्र है ना इसकी, तो भाभी को छोड़कर इस पर तवज्जो दो, पढ़ा दो इसे, वरना फिर डिग्रेड लेकर आ जाएगी। फारिग फिरते रहते हो ना वैसे भी तो तुम, जाओ जाकर बुक्स निकालो। मैंने क्या किया है? तुम्हें जो करना चाहिए ना उसके अलावा तुम सब कुछ करती हो। आइंदा मैं फोन पर बात कर रही हूं ना, खबरदार अगर बीच में बोला तो। जाओ जाकर बुक्स निकालो। Mom. Right, please. बस जाओ यहां से।